तो ये देखिए, ये जो 12 वोल्ट से चलने वाली एलईडी स्ट्रिप है उसे मैं 5 वोल्ट के मोबाइल चार्जर से चला रहा हूँ। इसे आप भी अपने घर पे बहुत ही आसानी से अपने किसी भी मोबाइल चार्जर से चला सकते हैं। कैसे चलाना है आपको इस वीडियो में पूरा पता चलेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं एक और नए और अमेजिंग वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप 12 वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप जो कि सिर्फ 12 वोल्ट से चलती है या फिर 10 से 12 वोल्ट तक आप उसको लोड देंगे तभी वो चलेगी, उसको आप कोई भी अपने मोबाइल चार्जर, आपके पास कोई भी पुराना मोबाइल चार्जर हो या फिर कोई भी पुराना मोबाइल अडाप्टर से कैसे चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो काफी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, लेट्स मेक इट। तो जनरली मैं इस वीडियो में तीन आइडियाज के बारे में बात करूंगा। पहला जो सबसे आसान तरीका है ये है कि मार्केट जाइए और मार्केट से 12 वोल्ट का एडाप्टर या फिर 12 वोल्ट का कोई भी चीज जो कि 12 वोल्ट सप्लाई देता हो उसे खरीद कर लाइए और एलईडी स्ट्रिप में कनेक्ट कर दीजिए। दैट्स इट, जो एलईडी स्ट्रिप है चालू हो गया। लेकिन न ये बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, न आप इसे सुनने के लिए यहाँ पर आया है कि मार्केट में जाइए और खरीद लीजिए, ठीक है। तो हम जनरली तीन आइडियाज के बारे में बात करेंगे जिससे आप पुराने 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर से या फिर जो भी आप यूज करते हैं उससे आप 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके, लगभग 12 वोल्ट के लगभग कन्वर्ट करके आप उससे एलईडी स्ट्रिप को जला सकते हैं। तो चलिए अपने पहले आइडियाज की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले आइडियाज में हमारे पास होना चाहिए एक एडाप्टर, कोई भी मोबाइल चार्जर हो, मोबाइल चार्जर होना चाहिए। जो पहले पुराने मोबाइल चार्जर आते थे आप उसका यूज कर सकते हैं या फिर सर्किट आती है मोबाइल चार्जर की, 20 रुपए की सर्किट आपको मिल जाएगी, उसे आप खरीद कर लाइए। और उसमें से आपको क्या करना होगा कि उसमें लगे होते हैं जेनर डायोड, ठीक है। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, उसमें लगे होते हैं जेनर डायोड, आपको उसे रिप्लेस करना है। तो जीनर डायोड को जो है आपको 12 वोल्ट के एक जीनर डायोड भी खरीद कर लाना है जो कि आपको 2 से 3 रुपए के बीच में मिल जाएंगे, और उसी जीनर डायोड को उसमें रिप्लेस कर देना है और उसका आउटपुट वोल्टेज जो है बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ जो है आउटपुट वोल्टेज जहां पे बढ़ रहा है, सॉरी, जहां से आउटपुट वोल्टेज लेना है वहां पर एक कैपेसिटर लगा होता है, उस कैपेसिटर को भी आपको चेंज करना होगा। और ये जो हमारा 12 वोल्ट का एडाप्टर जो है बनकर तैयार हो जाएगा और आप इससे बहुत ही आसानी से जो अपना एलईडी स्ट्रिप है जला सकते हैं और ये काफी दिनों तक चलने वाला है। चलिए दूसरे आइडियाज की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे आइडिया के लिए हमें थोड़ा सा खर्च करना होगा 60 से 70 रुपए का। आपके पास पुराना मोबाइल चार्जर तो होगा ही, तो 60 से 70 रुपए तक आपको खर्चा करना होगा। फिर आपको मार्केट से खरीद कर लाना होगा एक जो है वोल्टेज बूस्टर, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। इसमें आप जो है अपने मोबाइल चार्जर का कोई भी डाटा केबल हो उसको काट लीजिए और उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को जो है निकाल लीजिए। पॉजिटिव और नेगेटिव वायर से जो इन देने पर इस डाटा बूस्टर पे जो आपके इस पे एक प्रीसेट लगा होता है उसे आप अगर कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि उसे आप घुमाएंगे तो वहां पे जो उसका आउटपुट वोल्टेज है वो बढ़ने लगेगा। यानी 5 वोल्ट से आप बढ़ाकर 12 वोल्ट पे सेट कर सकते हैं या फिर आपको जितने वोल्ट की जरूरत हुई वो उतना सेट कर सकते हैं और इससे आप अपना एलईडी स्ट्रिप जला सकते हैं। ये हुई दूसरी आइडियाज के बाद। चलिए तीसरे आइडियाज के लिए हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि तीसरा आइडिया जो है कैसा होने वाला है। तीसरा आइडिया जो है बहुत ही आसान होने वाला है, इसे आप ऑलमोस्ट फ्री में ही बना सकते हो। तो चलिए इसको मैं दिखाता हूं आपको। तो हमारे इस तीसरे आइडिया के लिए हमें 2 डेटा केबल चाहिए। ये जो डेटा केबल है मुझे दिवाली के सफाई में मिले, काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे, इनका कोई यूज़ नहीं था, वैसे ये ख़राब भी हो चुके थे, इससे मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो पा रहा था। तो आपके पास ख़राब पड़ा हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो USB जैक है उसको आप काट लीजिए, देखिए जैसा कि मैंने काट लिया, इसको निकाल दीजिए, इसका कोई यूज़ नहीं है। अब हमें सिर्फ वायर चाहिए, इस वायर को जो है छीलना है हमें, ठीक है। आप भी अच्छे से कोई भी कटर हो या फिर जलाकर आप इसे जो है अलग अलग कर लीजिए, इसके कवर को हटा लीजिए जैसा कि मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ। तो ऐसे ही दोनों का कवर हमें हटाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 4 वायर मिलेंगे, ठीक है। 4 वायर मतलब कि एक जो है रेड होगा, एक ब्लैक होगा, वाइट, ग्रीन। तो वाइट और ग्रीन को निकाल देना है, वो जो है डेटा ट्रांसफ़र के लिए होते हैं, और बाकी जो है रेड और ब्लैक से जो है पावर का ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें हमें रेड और ब्लैक वायर मिल गया। चलिए वो जो है हो गया हमारे पास। अब इसको भी उसी तरह कर लेते हैं, इसको भी इस पर से कवर हटाकर रेड और ब्लैक वायर इसमें से भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास रेड और ब्लैक 2 वायर निकल गए। तो इसका भी जो हमारे इसके अंदर रेड और ब्लैक वायर निकले उस पर से भी आपको कवर को निकाल लेना है, जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ। आप चाहो तो कैंची से या फिर जला कर भी निकाल सकते हो। और करना क्या है, तो हमें करना क्या है कि इन दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट करना है। मैं आपको बताता हूँ, अभी अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो मतलब कि एक का हमें पॉजिटिव लेना है और दूसरे का नेगेटिव, और दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देना है,
ठीक है, ध्यान से देखिए, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, आप ऐसे जैसे मैं मोड़ रहा हूँ, देसी तरीका है ये, आप चाहो तो सोल्ड भी कर सकते हो, ऐसे मोड़ देना है और इसे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया है, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, और सभी को मैं टेप से एक साथ कर दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें दो वायर मिले, एक रेड और एक ब्लैक, बस हमें इन दोनों का ही यूज है। तो इसके बाद हमें दो मोबाइल फोन चार्ज करने वाला एडाप्टर चाहिए। आप इस एडाप्टर और केबल की जगह दो मोबाइल चार्जर भी ले सकते हो, कोई आपके पास मोबाइल चार्जर हो वह उसे भी ले सकते हो, और इसी तरह सेम कर सकते हो, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों ही केबल को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है इस एडाप्टर के साथ। अब चलिए मैं आपको मल्टीमीटर से भी एक बार दिखा देता हूँ कि ये जो है काम कर रहा है कि नहीं। कम से कम 10 वोल्ट तो आना ही चाहिए हमारे LED स्ट्रिप को चलने के लिए। ये क्यों नहीं बता रहा, लगता है स्विच नहीं ऑन है। हाँ, स्विच नहीं ऑन है, तो स्विच को ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये जो है कितना वोल्टेज दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9.97 यानी 10 वोल्ट ये दे रहा है। अब चलिए मैं LED स्ट्रिप लाता हूँ और LED स्ट्रिप को इससे जलाता हूँ। तो ये देखिए, ये जो LED स्ट्रिप है काफ़ी लंबा है, छोटा भी नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसके टर्मिनल पे प्लस और माइनस देखकर लगाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कनेक्ट होते ही ये जो RGB कलर का LED स्ट्रिप है वो ग्लो होने लगा और बहुत ही परफेक्टली ये जल रहा है, बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। आप भी इस आइडिया को अपना कर जो LED स्ट्रिप है उसको जला सकते हैं, या फिर कोई भी इक्विपमेंट हो जो कि 10 वोल्ट पे चलता हो आप उसको भी इससे बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। मैंने किया क्या है, दोनों चार्जरों को बस सीरीज में कनेक्ट किया है। तो हमारा पहला जो आइडिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी चार्जर का जेनर डायोड चेंज करके आप उसे 12 वोल्ट का एडाप्टर बना सकते हैं, उसका मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। फिलहाल ये जो हमारा आइडिया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे आइडियाज जो हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो और ये हमारे सारे आइडियाज जो है पसंद आए होंगे। अगर आपको ये हमारे सारे आइडियाज पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।